गाइस अस्सलाम वालेकुम, मुशीबा ब्लॉगर की दुनिया में आप सबका स्वागत है। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस हम जा रहे हैं आज ज्वालापुर उस्मान ससुराल और हम बहुत लेट हो गए हैं। हमें यहाँ से सुबह ही निकलना था लेकिन बारिश की वजह से आज हम बहुत लेट हो गए हैं। बारिश आ रही थी सुबह से, अब निकले हैं 11:45 हो रहे हैं और रास्ते में ही हैं। पापा स्कूटी चला रहे हैं पापा के साथ। फलक, तश्मिया और उज़्मा घर पे है। फलक और तश्मिया को उसके पास छोड़ कर आए हैं इसलिए उन दोनों को नहीं लेकर आए। चलिए फिर हमारे साथ एंजॉय कीजिए ज्वालापुर का सफ़र और दिखाते हैं आपको कैसा रहा सफ़र। और हम उज़्मा के ससुराल इसलिए जा रहे हैं, शादी का टाइम आ रहा है पास में, थोड़ी बातचीत करनी थी पापा को इसलिए पापा ने सोचा फ़ोन पर कहने से अच्छा फेस टू फेस हो जाए। जो भी चीज़ें हैं देख लेते हैं क्या क्या है। साइज तैयारी स्टार्ट करनी है फिर उसके बाद पहले उनसे बात करके आते हैं। गाइस मौसम इतना अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा मौसम हो गया है ठंडा ठंडा। और सुबह बारिश हो रही है, सुबह से बारिश ही थी इसलिए बहुत अच्छा मौसम है। इस टाइम सुबह का टाइम है लेकिन लग रहा है जैसे शाम हो रही है। और गाइस ये पैलेस, क्रिस्टल पैलेस, इसमें मेरी शादी का वलीमा हुआ था। गाइस काफ़ी लेट हो गए थे, हम बस स्टॉप जा रहे थे लेकिन अब हम बस स्टेशन जाएंगे क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं। और ये देखिए इन भाईजान को, ये मेरे को कैसे देख रहे हैं, घूरते घूरते जा रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। यहाँ पे उतरकर मैंने सोचा थोड़ा रेलवे स्टेशन आपको दिखा देती हूँ कैसा है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। ये देखिए यहाँ पर शिव जी की कितनी बड़ी बड़ी मूर्ति बना रखी है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, अच्छा है। और हम वैसे भी पापा का वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर क्योंकि पापा दूसरी ट्रेन में आ रहे हैं। गाइस आज हमारे साथ बहुत बड़ा एक मतलब कांड हो गया है। तो गाइस हम हरिद्वार स्टेशन पे उतर गए हैं, हम बस से नहीं आए क्योंकि बस से और लेट हो जाते हैं इसलिए हमने ट्रेन पकड़ी जल्दी जल्दी क्योंकि हम बस अड्डे पे गए थे, हमें बस नहीं मिली। और फिर हम जल्दी से ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठने के बाद मम्मी और मैं अरहान तो बैठ गए और पापा रह गए थे। पापा को फिर दूसरी ट्रेन में, पापा दूसरी ट्रेन में बैठ कर आए हैं और पापा का फ़ोन भी हमारे पास था इसलिए पापा बहुत नाराज़ हो रहे हैं। गाइस ये हरिद्वार की छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे बिल्कुल स्टेशन के सामने ही है। हरिद्वार में आते ही इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और पसीने में बुरा हाल हो गया है, बहुत बुरा हाल है। आरू भी परेशान हो गया है काफ़ी। और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी वाला मौसम हो रहा है, मतलब धूप तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत है। और सहारनपुर में बारिश थी तो इसलिए बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। और ये हरिद्वार का ही रोड चल रहा है पूरा, हरिद्वार लग ही रहा होगा आप लोगों को भी अलग से ही हरिद्वार है। और ज्वालापुर भी हरिद्वार में ही लगता है, पास में ही है तो रिक्शे का ही इतना डिस्टेंस है कि जैसे रिक्शे से भी हम उज़्मा के घर जा सकते हैं, बहुत पास में है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ट्रेन का सफ़र, आप लोग बताइए आप लोगों को बस का सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रेन का। और अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है ज्वालापुर की मार्केट का सफ़र। ये पूरी ज्वालापुर की मार्केट है और अच्छी मार्केट है, पास में ही है घर के, ज़्यादा दूर भी नहीं है और लगता नहीं जैसे मतलब अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी अच्छा है। और ये यहाँ पे कृष्णा जी की मूर्ति बनी हुई है चौक में और ये पूरी मार्केट ही चल रही है ज्वालापुर की। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है, मैंने कहा चलो उज़्मा भी देख लेगी घर पे बैठे बैठे कि उसे ससुराल के पास में एक अच्छी मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है
पिछली बार भी हम आए थे तो हम यहाँ पे रुक कर थोड़ी उस महीना और में आए थे, हम दोनों ने थोड़ा कुछ सामान लिया था, क्लच वगैरह बच्चों के लिए। अच्छा है, लिबास फैशन वगैरह सब है, अरोड़ा। अशोका बर्तन की भी मार्केट है इसमें, इसमें कपड़ों की भी मार्केट है, ये पूरी मार्केट मतलब एक साथ चलती जा रही है। और ये यहाँ पे कॉस्मेटिक सेल हमने यहीं से ही लिया था, वो जो मैं आपको बताई थी बच्चों के लिए क्लच वगैरह। ये यहाँ पे गोल्ड की सुनार की दुकान है। और ये उज़मा के घर तक काफ़ी दूर तक जाती रहेगी मार्केट, मार्केट बहुत पास में इनके घर के, जहाँ पे उज़मा की ससुराल है। और अच्छी मार्केट है, हर एक चीज़ अवेलेबल है इस मार्केट में। गाइज़ हम सहारनपुर से मिठाई नहीं लाए थे इसलिए यहाँ से लिए हैं, और अब हम पहुँच गए हैं उज़्मा की ससुराल की गली में। और मैं यहीं तक व्लॉगिंग करूँगी, अभी मैं उन्हें घर नहीं दिखाऊँगी आप लोगों को, तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो गाइज़ हम वहाँ से निकल गए हैं, माशाल्लाह उज़्मा की तारीख भी पक्की हो गई है कि कौन सी डेट रखी गई है, मैं आप लोगों को जल्दी बताऊँगी कि डेट कौन सी तय हुई है। और अब जिस दिन उज़्मा की तारीख जाएगी मैं उसी दिन आप लोगों को उसकी तारीख बताऊँगी कि कौन सी डेट फिक्स हुई है। तो गाइज़ मैंने ये ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।